काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो आरती करता हुआ नजर आ रहा है। बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के साथ दिखा धनंजय सिंह, एक राम कथा कार्यक्रम में आरती करता दिखा धनंजय। यूपी पुलिस ने घोषित किया है धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम, भगोड़ा घोषित किया है धनंजय सिंह को। और धनंजय सिंह एक राम कथा में आरती करता हुआ पाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। धनंजय सिंह यहाँ पर बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के साथ आरती करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है धनंजय सिंह पर, भगोड़ा घोषित किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जहाँ धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह राम कथा में पहुंचते हैं, आरती करते हैं और वो भी बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के साथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत गिरी जौनपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है इस वीडियो को लेकर, ये वीडियो कब का है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो काफी 10 से 15 दिन तक का लगभग पुराना वीडियो बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जिसपे 25,000 का इनाम है, जिन्हें लखनऊ की पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है, वह जनपद जौनपुर में एक रामकथा त्रिलोचन महादेव के मंदिर में जो रामकथा होती है वहां पर शिरकत करते हैं और वहां पर आरती करते हैं, जिसमें साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा अपनी पत्नी के साथ वह भी आरती करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, किस तरह से योगी सरकार यूपी की पुलिस से ताल ठोक रही है कि इन पे भगोड़ा घोषित होने पे 25,000 इनाम पे खुलेआम जौनपुर में घूम रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी अजीत, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर धनंजय की इतनी हिम्मत है कि एक तरफ जहां वो भगोड़ा घोषित है, 25,000 का इनाम घोषित है, वहीं दूसरी तरफ राम कथा जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे वहां पर जाकर वो आरती कर रहे हैं। जी, आपको बता दें कि आरती ही आरती अभी सोशल मीडिया पर लगातार, अगर फेसबुक की भी बात करें तो जो युवा है उनके साथ फोटो खिंचाकर भी मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम में, हर तरह हो चाहे पूजा पाठ हो, हर जगह शिरकत कर रहे हैं जनपद में, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उनके आगे नतमस्तक नजर आ रही, तो ये अपने आप में यूपी की पुलिस धनंजय सिंह के आगे नतमस्तक है। जी बिल्कुल अजीत, अगर हम इस वीडियो की बात करें और उसके बाद आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आपने क्या ये वीडियो उन पुलिस कर्मियों को दिखाया, उनका क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है सामने, क्या वो इनकार कर रहे हैं कि ये धनंजय सिंह नहीं है? जी, अगर इस मामले में जब पुलिस से बात करना चाहे, हालांकि पुलिस का नंबर नहीं लगा है, लेकिन ये भी पुलिस की, आपको बता दें कि जौनपुर पुलिस का लगभग जब भी इस मामले में बात किया जाता है तो जौनपुर पुलिस साफ कहती है जो भी काम करेगी लखनऊ की पुलिस करेगी, क्योंकि सारा मामला लखनऊ से है। तो कहीं ना कहीं यूपी की पुलिस तो चाहे जौनपुर की पुलिस हो, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को छूने से या पास जाने से कतराती है, यह बहुत बड़ी बात है कि पुलिस भी उनसे दूर जाती है। पुलिस अगर खुलेआम जनपद जौनपुर में अगर वो घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक है, या पुलिस भी डरी हुई है। कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक है ये कि अगर पुलिस ऐसे माफिया के सामने नतमस्तक नजर आ रही है और जिस तरीके से खुलेआम धनंजय सिंह घूम रहा है और उस दूसरी तरफ 25,000 का इनाम घोषित भी किया गया है, ऐसे में सवाल तो जरूर उठ रहे हैं, देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि ये वीडियो 10 से 15 दिन का पुराना बताया जा रहा है, धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहे, भगोड़ा घोषित है। और वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जल हाजिर होता है।